होली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी में नगर में नकली मावे से मिठाइयां और दुकानदार मिलावटी सामान ना बेचें, इसके लिए आज जिला खाद्य विभाग से विष्णु दत्त शर्मा, आशुतोष मिश्रा है, उन्होंने बताया कि हमारी टीम ने ढाबों, होटलों, किराना दुकानों की सैंपलिंग की, जिसमें लगभग 18 सैंपल लिए गए, उनको तुरंत चलित लैब में टेस्टिंग की और अगर सैंपल मानक के अनुरूप पाया जाता है तो ठीक है, यदि मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता तो दुकान संचालक को समझाइश दी जाती है कि सही माल बेचें और कोई बड़ी अनियमितता पाई जाती है तो दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ये चलित लैब गुना से आती है जो चार जिलों के लिए गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, शिवपुर में काम करती है। देखिए विष्णु दत्त शर्मा ने क्या कुछ कहा। जो सैंपलिंग चल रही है, ये सैंपलिंग मतलब किस उद्देश्य चल रही है बताएं थोड़ा, किन दिन के सैंपल आपने दिए ये बताएं। जी आज जो सैंपलिंग है ये टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए है। मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी गुना से आती है जो कि चार जिलों में भ्रमण करती है। ये शिवपुर से लेबोरेटरी आज शिवपुरी में आई है। इसके बाद इसका दतिया का प्रोग्राम, आज करेरा का प्रोग्राम डिसाइड किया गया है, उसके तहत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से सैंपल्स लेके उनकी टेस्टिंग और अवेयरनेस के लिए है। जैसे अगर कोई सैंपल उसमें फेल होता है तो दुकानदार को समझाइश दी जाएगी कि इस प्रकार की चीज़ों का विक्रय नहीं करें, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अनियमितता पाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कितने दुकानों से सैंपल लिए आप अभी तक आपने? अभी 3 रेस्टोरेंट्स पे कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 18 सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं, 10 सैंपल चेक हो चुके हैं, उनमें किसी में भी कोई कमी नहीं आई है। इस जहां मैं बैठा हुआ हूँ चौबे होटल पर, यहाँ पर 8 सैंपल जांच के लिए दिए हैं और जैसी रिपोर्ट आती है इनको बताया जाएगा।